बड़ी खबर इस वक्त के हम आप सभी दर्शकों को बता दें जो उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां गुलदार की दहशत से ग्रामीण सदमे में है। वहीं ईख के खेत में घूम रहे गुलदार के जोड़े को देख खेत में काम कर रहे किसानों ने भाग कर जान बचाई, जिसके बाद ग्रामीण ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश में जुटी। वहीं ये पूरा मामला थाना मंडावली के करौली इलाके का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर कही जाएगी जो हम आप सभी दर्शकों को उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से बता रहे हैं, जहां गुलदार की दहशत से ग्रामीण सदमे में। ईख के खेत में घूम रहे गुलदार के जोड़े को देख खेत में काम कर रहे किसानों ने भाग कर जान बचाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम गुलदार की तलाश में जुटी। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पूरा मामला थाना मंडावली के करौली इलाके का है। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है बाजा। क्या देखा तुमने बताओ? गुलदार देखे। कितने? एक देखा मैंने। एक गुलदार पेड़ पे चढ़ा था। कौन से पेड़ पे? वो खड़ा सामने सिरस का पेड़। अच्छा, फिर कहाँ को गया हो? जी इसमें है ये। तो अब वन विभाग को सूचना दी? वन विभाग को सूचना दी, अभी आए नहीं आ रहे हैं। घंटा हो गया अभी, लेकिन तैयार में खड़े हैं, जब तक भगाए थे। एक घंटा हो गया, एक घंटा बस वेट कर रहे हैं। जी क्या मामला? आज सुबह जानकारी मिली कि यहाँ करौली में सोनू राठी जी के खेत में दो गुलदार बताए जा रहे हैं। एक गुलदार कुछ देर पहले पेड़ पर बैठा था, ग्रामीणों ने की भीड़ भाड़ देख करके वो गुलदार भी उतर के खेत में ईख गन्ने में घुस गया है। इसकी सूचना SDM साहब को, मंडावली पुलिस को, वन विभाग में DFO साहब को, सबको कर दी गई है। सूचना मिली है कि बहुत जल्दी वन विभाग की टीम पहुँचने वाली है। हम सबका प्रयास है कि वो गुलदार यहाँ पकड़े जाएं और ग्रामीणों की रक्षा सुरक्षा हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी पकड़े जाने की संभावना। कितने गुलदार बता रहे हैं? दो गुलदार और उनके बच्चे भी बताए जा रहे हैं।